अहिर रेजिमेंट हक हमारा, जाट राजपूत मराठा रेजिमेंट, क्या वाकई सेना में जातिवाद है? क्यों नहीं बन सकती अहिर रेजिमेंट, आइए जानते हैं। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई है। उन्होंने अपने भाषण के जरिए इस समाज की वीरता का इतिहास सरकार के सामने रखा और कहा, जब जब देश पर आक्रमण हुआ तब तब जय यादव जय माधव के नारे की गूंज के साथ अहिर भाइयों ने अपना बलिदान दिया। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। इस मांग को उठाने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले व्यक्ति नहीं है, बल्कि लंबे समय से भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठती आ रही है। 2018 में इसी मांग को लेकर संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने 9 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। अब इस समुदाय का कहना है कि 4 साल बीतने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई। ऐसे में आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं क्या अहिर रेजिमेंट की मांग कहां तक जायज है। 4 फरवरी से दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर संयुक्त अहिर मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अहिर रेजिमेंट का समर्थन करने वाले लोगों का तर्क है कि 70 सालों से अहिर समुदाय ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं, खास तौर पर 1962 के रेजांगला युद्ध में 13 कुमाऊं के 120 जवान अहिर समुदाय से ही थे, जिन्होंने बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और देश के लिए शहादत दी। अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि अहिर रेजिमेंट बनाकर शहादत देने वाले लोगों को सही सम्मान दिया जाए, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने इस मांग को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोग देश और समाज को किसी न किसी तरह बांटना चाहते हैं। सेना में कभी कोई ऐसी मांग ना तो की गई है और ना ही होगी। ये मांग सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर की जा रही है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए या नहीं।